आप सभी का स्वागत है। कंट्री प्रोफाइल की सीरीज़ को हम बिगिन करते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी डिस्कस किया था, इसमें दुनिया भर के इंटरेस्टिंग कंट्रीज जहां पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जो भी आपका पर्पस है, उनके बारे में इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग इन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और आप तक लेकर आएंगे, जिसमें आपको उस देश को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। पोर्चुगल जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही अच्छी कंट्री है, अगर हम इमिग्रेशन वर्ल्ड की बात करें। इसलिए नहीं कि पोर्चुगल बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा सैलरीज हैं या बहुत एस्टोनिशिंग है और कुछ और ही 27th century में रह रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली पोर्चुगल चूज़ करने का ज़्यादातर इमिग्रेंट्स का रीज़न इसलिए होता है कि पोर्चुगल जो है एक गेटवे ऑफ यूरोप की तरह एक्ट करता है और वहाँ का जो रेजिडेंसी सिस्टम है, यानी टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड जो वो देता है, TRC सिस्टम कह लीजिए, रेजिडेंसी सिस्टम कह लीजिए, तो वो सबसे चीपर और फास्टर है। दुनिया के मैक्सिमम सभी देश, यहाँ तक कि डेवलप्ड सभी कंट्रीज़, कोई ना कोई रेजिडेंसी सिस्टम अपना ऑर्गेनाइज करके रखती हैं और इमिग्रेंट्स के लिए उसको प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। पोर्चुगल एक ऐसा विंडो ओपन करता है जिसकी वजह से टाइम भी कम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। इंडिया का पहला एवर इंट्रैक्शन टूवर्ड्स वेस्ट ना वो UK था, ना वो अमेरिका था, ना कोई और कंट्री थी, वो था पोर्चुगल, क्योंकि वास्को डी गामा जो था वो पोर्चुगीज़ था। एक्चुअल में इंडिया के नाम की बहुत फैंटेसीज थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ के लोगों में, उनको इंडिया पहुँचने की जैसे कि रेस लगी हुई थी, कंपटीशन लगा हुआ था, कौन है जो सबसे पहले इंडिया पहुँचेगा, उसका रूट डिस्कवर करेगा, कौन होगा वो, राइट? पहले क्योंकि एयर फोर्सेस नहीं होती थी, साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो पहले नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते थे काफ़ी सारे देश, जो जब एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हुआ था, जब दुनिया भर के अलग अलग देशों की खोज हुई थी, तो उस टाइम नेवी ने ही सारा सबसे ज़्यादा इसमें लीडरशिप निभाई थी। तो जैसे पोर्चुगल है, स्पेन है, या यूके था, या फ्रांस था, इनकी नेवीज बहुत स्ट्रांग होती थी, जिसकी वजह से ये सारे दुनिया भर में घूमते रहते थे और नए नए लैंड्स का, नई नई जगह को डिस्कवर करते रहते थे। जो फर्स्ट एवर हमारा इंटरेक्शन था, इंडिया का इंटरेक्शन था वेस्ट के साथ, वो पोर्चुगल का था। तो इसलिए पोर्चुगल एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री इस मायने में भी हो जाती है। ईजी रेजिडेंसी सिस्टम होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे लोग यूरोप में सेटल हो पाते हैं और उस विंडो गेटवे का यूज़ कर पाते हैं। अगर आप ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि मैं भी सेटल होना चाहता हूं या पहले सिर्फ ट्रैवल ही करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन दी वी डिटेल्स पे। चलिए पहले पोर्चुगल के बारे में अच्छे से समझते हैं। पोर्चुगल की 2021 में जो GDP एस्टिमेटेड है वो है $257 बिलियन, इंडिया की $3.09 ट्रिलियन। और अगर हम इसको कंपेयर करें किसी और अच्छी कंट्री के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ, तो जर्मनी को ले लेते हैं। यहाँ पर जर्मनी की हो जाती है $4.3 ट्रिलियन। तो अगर आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे GDP तो बहुत कम है पोर्चुगल की, इंडिया की तो बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ की पॉपुलेशन इक्वली बहुत ज़्यादा कम है। पॉपुलेशन पोर्चुगल की सिर्फ 1.3 करोड़ के आसपास है, दैट्स इट। यानी दिल्ली से भी आधी लगा लीजिए, दिल्ली की भी 2 करोड़ प्लस है, तो हम दिल्ली जैसे शहर से भी आधी पॉपुलेशन है पोर्चुगल की। और इंडिया की अगर कंपेयर करें तो 1.37 बिलियन, यानी 137 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। अगर हम कंपैरिजन में किसी और यूरोपियन कंट्री को लें, तो स्विट्जरलैंड को यहाँ पर लेते हैं, स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 87 लाख है, तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हम इनकम की बात करें, पोर्चुगल में सालाना इनकम एक एवरेज अगर US डॉलर में बात करें तो वो हो जाती है $25,000 एक साल की, वहाँ पे एवरेज इनकम मानी जाती है। यानी $2,000 समथिंग लगा लीजिए आप जो पर महीने की, यानी 1.5 लाख रुपये से थोड़ा सा प्लस आप मान के चलें कि वहाँ पे मंथली इनकम होती है रुपए में, अगर हम बात करें, एवरेज की बात करें। देखिए इसमें मिनिमम वेज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एवरेज की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हम इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली $2,200 है एक एवरेज इनकम जो है एक साल की, जो कि रफली $182 पर मंथ आ जाती है। यानी रुपये में कन्वर्ट करें तो 14,000 के अराउंड पर मंथ यहाँ पर एक एवरेज इनकम होती है। अगर हम इसको किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे फ्रांस को ले लेते हैं। फ्रांस की इनकम काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट डबल ही लगा लीजिए पोर्चुगल से, $45,000 सालाना वहाँ पे इनकम है। जो मंथली की बात करें तो 3750, जिसको रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो 285,000 की अप्रॉक्सीमेट एक इनकम वहाँ पे एवरेज मानी जाती है, अगर हम मंथली इनकम की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट हम लिटरेसी रेट को ले लेते हैं, जिसमें 99.48% पोर्चुगीज पॉपुलेशन एजुकेटेड है, लिटरेट है बेसिकली, जो इंडिया के कंपैरिजन में 77.5% पॉपुलेशन है। और अगर हम किसी और यूरोपियन कंट्री को इसमें इंक्लूड करें, जैसे इस बार किसी और को करते हैं, इटली को ले लेते हैं, तो 99.16% पॉपुलेशन जो इटली की है वो लिटरेट है।
अगर हम यहाँ पे हम बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट ले लेते हैं कि एक सेक्स रेशियो का, सेक्स रेशियो होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स अवेलेबल फॉर 1000 मेल, यानी 1060 फीमेल्स हैं फॉर एवरी 1000 मेल्स। इंडिया की बात करें तो हम वैसे ही थोड़ा सा इंडिया का सेक्स रेशियो काफ़ी ख़राब है, बट रिसेंट टाइम में उसको ग्रो करता हुआ देखा गया है। तो अभी रिसेंट सर्वे तो नहीं हुआ है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो रेशियो है वो 940 के आसपास है फॉर 1000 मेल, यानी 940 फीमेल्स फॉर 1000 मेल है, जिसमें 60 फीमेल्स यहाँ पे शॉर्ट हो जाती हैं। और अगर हम किसी और कंट्री को इंक्लूड करें यूरोप की, इस बार पोलैंड को ले लेते हैं, तो पोलैंड का यही रेशियो है 1072 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि जितनी अगर 1000 से प्लस जितनी ज़्यादा फीमेल्स होती हैं वो कंट्री उतनी ही एडवांस होती है। तो बिल्कुल ठीक ही कहा गया है, देखा जाए तो फीमेल जो होती हैं वाकई वो एक कंट्री के लिए लकी साबित होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेसिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया, लिटरेसी रेट हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया, पर कैपिटा इनकम भी हमने डिस्कस किया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और HDI निकाला जाता है। तो पोर्चुगल का HDI काफ़ी ज़्यादा है, वो है 0.864 अगर वन के रेशियो से लें, वन के रेशियो से अगर इंडिया को लें तो इंडिया ने भी काफ़ी रिसेंट प्रोग्रेस करी है, वो है 0.645। और इसमें किसी और कंट्री को, अगर हम यूरोपियन कंट्री को इन्वॉल्व करें तो स्पेन का आता है 0.904, जो कि काफ़ी हाई है। अब आ जाते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, यानी यहाँ पे आम तौर पे लोग कितना जीते हैं। तो पोर्चुगल के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 82.29, ज़्यादा इंडिया की 70 के आसपास पहुंच रही है, 69.4 है लेटेस्ट रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ये 70 को टच कर चुका है, बट हम ऑफिशियल पे ही जाएंगे तो एज ऑफ नाउ इट्स 69.4। और किसी और अब कंट्री को लेते हैं, वो है ग्रीस, ग्रीस की 82.47, यानी अब 82.5 साल वहाँ पे एवरेज लाइफ है। अब यहाँ पे हैप्पी इंडेक्स ले आते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स है, यानी उस देश की जनता कितनी खुश है, राइट, जनता कह लीजिए, लोग कह लीजिए, किस देश के दो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो हैप्पी इंडेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है, जैसे आप अपनी लाइफ से कितने खुश हैं, अपने सिस्टम से कितने खुश हैं, फ्रीडम से, कंट्री से, यू नो चॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस जो आपको मिलती है वो कितनी अच्छी है, हेल्थ, एजुकेशन, करप्शन के हिसाब से, तो उस केस में ये डाटा निकाला जाता है। पोर्चुगल का स्कोर आता है 5.911, जो कि है जो 153 कंट्रीज में से उसका नंबर आ जाता है 59 पे। इंडिया का उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डाउन था, 3.573, जो कि था 144 आउट ऑफ 153 कंट्रीज। यहाँ पे यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अनहैप्पी हैं, यानी और टॉप में बैठे हैं फिनलैंड, जिनका स्कोर है 7.809, फर्स्ट आउट ऑफ ऑल 153 कंट्रीज। तो यानी फिनिश लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हैप्पी इंडेक्स बड़ा मायने रखता है एक देश को समझने के लिए। अब वहाँ पे बात करते हैं बड़े कंट्रोवर्शियल चीज़ की, हालांकि इस चीज़ को हमने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो रिलीजियस पॉपुलेशन उस देश की कितनी है, तो पोर्चुगल के अंदर 84% लोग रिलीजियस हैं, जो टोटल वहाँ की पोर्चुगीज सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, यानी पासपोर्ट होल्डर जो हैं 84% ही लोग वहाँ पर रिलीजियस हैं, और 16% बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है। आप उसे एथीस्ट कह लीजिए या नॉन रिलीजियस कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। यही रेशियो इंडिया में 95% है, यानी यहाँ पे 95% पॉपुलेशन रिलीजियस है, 5% यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते। और अगर हम किसी और यूरोपियन कंट्री को इसमें इंक्लूड करें तो इस बार इस्टोनिया को कर देते हैं। इस्टोनिया में ये पॉपुलेशन 40% है, यानी 40% अपने आप को किसी भी रिलीजन का नहीं मानते, विच इज़ वेरी हाई। अब बात करते हैं एक बड़े पैसों की, तो सैलरी पर आवर वहाँ पे कितनी है। अब देखिए सैलरी पर आवर हमने कैसे कैलकुलेट की है, हमने कैलकुलेट किए एक हफ्ते में 5 दिन ले लिया, सैटरडे संडे ऑफ कर दिया, तो 5 दिन की एवरेज ली और उसमें हमने 8 घंटे का एक डे रखा कि 8 घंटे अगर आप हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं तो क्या आपकी सालाना जो इनकम बनती है उसका क्या आवरली एवरेज आपको मिलता है। जैसे कि पोर्चुगल के अंदर एक सैलरी जो है वो है 9 यूरो पर आवर एवरेज सैलरी है वहाँ पे। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा उनके मिनिमम वेज से, वहाँ पे मिनिमम वेज जो है 3.74 यूरो पर आवर की है, यानी वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि इससे नीचे किसी को भी पे नहीं मिलेगा, इससे ऊपर ही मिलेगा, राइट। तो एक मिनिमम वेज वहाँ की गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है, लेकिन अगर हम एक एवरेज की बात करें कि टोटल वहाँ जितने मिलियनेयर बिलियनेयर पॉवर्टी वाले सारे लोगों को मिला के अगर एक एवरेज निकालते हैं तो 9 यूरो पर आवर की एवरेज निकलती है। यही एवरेज अगर हम इंडिया के निकालते हैं तो वो काफ़ी कम है, 10 गुना कम है पोर्चुगल से, वो है 0.892 यूरो, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 यूरो कह लीजिए।
0.89 से लेके 1 यूरो के बीच की फिगर आती है, क्योंकि यूरो डिवैल्यूएट हो जाता है, तो हम 1 यूरो ले लेते हैं। 1 यूरो पर आवर एक एवरेज इनकम इंडिया में मानी जाती है। अब यहाँ पे किसी और कंट्री को लेते हैं, नॉर्वे, इस बार नॉर्वे को लेते हैं, तो नॉर्वे में एवरेज आवरली इनकम जो है एवरेज पे वो है 25 यूरो पर आवर की, विच इज़ एस्टॉनिशिंगली हाई, बहुत ही हाई है। लेकिन वहाँ पे जब कोई जाता है इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये वो ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम ही होती है। जब नॉर्वे का वीडियो आएगा उसमें आप ये जानेंगे। अब टूरिस्ट अरेवल की बात करते हैं कि जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं वो कितने देश कितने मशहूर हैं, ये अब देखते हैं। टूरिस्ट अरेवल के मामले में पोर्चुगल के अंदर 2019 में, क्योंकि 20 तो बंद ही था और 21 तो अभी चल ही रहा है, राइट, तो हमारे पास जो डाटा है 2019 का ही है, तो 2019 में 28 मिलियन यानी 2,80,00,000 लोगों ने पोर्चुगल को विजिट किया था, जो कि काफ़ी ह्यूज नंबर है, क्योंकि पोर्चुगल तो बहुत ही छोटा सा देश है और इतना ह्यूज नंबर है वहाँ पे देखा जाए, उनकी खुद की पॉपुलेशन उनके टूरिस्ट अराइवल से कम है, विच इज़ क्वाइट एस्टॉनिशिंग। यानी खुद की पॉपुलेशन 1 करोड़ है और वहाँ पे 2,80,00,000 टूरिस्ट गए एक साल में, विच इज़ अमेजिंग, राइट। इंडिया में यही फिगर है, 1,80,00,000 अप्रॉक्सीमेटली, 79 कह लीजिए, 1,79,00,000 लोग हैं जो जिन्होंने इंडिया को एज ए टूरिस्ट विजिट किया था 2019 में। अब यहाँ पर हम किसी और कंट्री को इंक्लूड करते हैं कंपैरिजन के लिए, इस बार स्वीडन को इंक्लूड करते हैं, तो स्वीडन में यही रेशियो 80 लैक्स का था, यानी 8 मिलियन, 80,00,000 लोगों ने स्वीडन को विजिट किया था 2019 में। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिगर है, इमिग्रेंट्स, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कितने हैं पोर्चुगल के अंदर, हम ऑफिशियल फिगर हमारे पास 2015 की है, तो उसे उसको देखा जाए तो 8,37,257 इमिग्रेंट पोर्चुगल में हैं एज पर 2015, और एज पर 21 लोगों का कहना है कि 11,00,000 हो चुके हैं, बट हम ऑफिशियल फिगर जैसे ही आएगा उसको भी हम अपडेट करके आप तक लाएंगे। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में भी हालांकि इमिग्रेशन, इंडिया से एमिग्रेट भी होते हैं लोग, भारत बहुत ज़्यादा जाते हैं, हम उसको नहीं कैलकुलेट करके अगर सिर्फ इमिग्रेशन की बात करें तो 2015 का ही डाटा है हमारे पास, यानी 2015 का डाटा होने का मतलब है कि 2014 में काउंट किया गया था, तो उसके हिसाब से 52,00,000 लोग हैं जो इमिग्रेंट हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स कहती हैं, और अनऑफिशियल फिगर्स तो इसको 10 times हायर कहती हैं, बट अगेन वी कैनॉट कंसिडर अनऑफिशियल फिगर्स, तो हम ऑफिशियल फिगर को ही लेकर चलते हैं। इन कंपैरिजन में हम किसी और इस बार नई कंट्री को लेते हैं, वो हंगरी, जहाँ पर ये डाटा है 4.5 लाख का, तो 2015 में हंगरी के अंदर टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन थी 4.5 लाख। तो ये काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, जो भी अगर पोर्चुगल में जाना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें, ये फैक्ट्स काफ़ी यूज़ में आएंगी। और अगर आप, क्योंकि अभी बहुत सारी कंट्री प्रोफाइल्स हम लेकर आएंगे, उसमें जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, जो और डाटा आप उसमें देखना चाहते हैं, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। बाय बाय।